मैंने ये वाला लेने का सोचा है हिमालयन कैफे आए। हैप्पी टू के ओह माय गॉड ये देखो सो हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दिस इज मी लंजुम एंड आई एम फ्रॉम स्पीति वैली एज यू गाइस नो। सो ये देखो सुंदर सुंदर वादियों को मेरे पीछे एंड लुक एट द व्यू गाइस वू ओह माय गॉड देखो। सो गाइस आई डोंट नो क्या हो गया मेरे बैक कैमरा को, वो ज़्यादा मतलब पीछे चला गया तो उस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिख रही हूँ अभी आगे मैंने नोटिस किया। तो मैंने अभी बाल धोए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे 2K हो गए एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों की वजह से। तो आज 2K स्पेशल व्लॉग करूँगी मैं, देखते हैं कुछ हम सेलिब्रेशन कर पाएंगे बिकॉज आज मैं काजा में हूँ तो काजा में यहाँ पे कुछ खाने पीने का हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अभी मैं अपना सर्टिफिकेट बनाने जा रही हूँ, मेरा कुछ पर्सनल काम है तो वो हम फटाफट से निपटाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो मैं कजिन के साथ जाऊंगी, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे हो यार, आप लोग मतलब मेरे हेल्थ के लिए प्रे करते हो, मुझे मतलब इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देते हो कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मम्मी जंग कर्मा दोनों आइसक्रीम खा रहे गाइज। अभी हम थुप्पा मोमो खा के आए जस्ट, तो इन तीनों ने चाउमीन खाया। मैं चाउमीन लवर नहीं हूँ एक्चुअली, मैं मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, मोमोज भी उतना खाने का मन नहीं था मेरा एक्चुअली में, तो मम्मी ने फोर्स किया तो मैंने खा लिया। तो हम जाएंगे पिज़्ज़ा पार्टी करने बिकॉज आप लोगों को पता है क्यों। सो सो गाइज मौसम भी सुहाना हो गया और मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेट्स सी क्या रहता है। अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, फिर ऑफिस जाके सारा काम वगैरह हो जाएगा, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह बन जाएगा, जैसे ही बन जाएगा फिर मैं आपको अपडेट दूंगी। ओके सो गाइस अभी जस्ट हम सर्टिफिकेट वगैरह लेके आ गए ना, देखो पीछे कार्टून और ये मेरी मम्मी कार्टून। सो अरे भगवान हम करेला का सब्जी ले जा रहे हैं, मम्मी बोल रही करेला अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा तो मिदुप ये अच्छा पापा गाइस मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, एक एक जो फोकस है ना वो परे कुछ अलग है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। देखो मेरा हाथ कितना गंदा दिख रहा है जबकि इतना गंदा है नहीं एक्चुअली में, और फेस भी यहाँ देखो। सो गाइस मैं यहाँ पे मार्केट में हूँ तो यहाँ शादी वाले आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ स्पीति के शादी कैसा होता है। मम्मी दे दिए इसको खाना, ये देखो कितना प्यारा पप्पी है। जुले गाइज हम दोनों कैफे आए हैं कॉफ़ी पीने मेरे 2K की खुशी में। सो हम इस वाले कैफे जाने वाले हैं, कैफे बहुत सुंदर है, चलो लेट्स गो इनसाइड। Thank you.
अभी अभी जस्ट कैफे होके आए हैं, स्पीति कैफे. सो बेसिकली आई हैड एक्सप्रेसो फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट मैंने पूरा पिया. ठीक है, मैंने अपना पैसा वेस्ट नहीं किया बिकॉज ये 2K सेलिब्रेशन था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कड़वा है तो क्या हुआ, खा लेते पी लेते वाला हिसाब किताब था थोड़ा बहुत. सो नाउ वी आर हेडिंग टू द पिज़्ज़ा पॉइंट. फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक है, माय गॉड, कारमा को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसको अपना हॉट चॉकलेट मंगा दी थी. वैसे ये चॉकलेट लवर है बट इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एंड इससे हाफ छोड़ दिया था, वो हाफ मैंने अपने एक्सप्रेसो के साथ पी लिया एंड उन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक ठीक था. सो गाइज, वी केम हियर टू बाय अ ब्रेसलेट. सो गाइज, मैं ये वाला लेने का सोच रही हूँ और कार्लन का मुझे पता नहीं है. सो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. देखो माय गॉड, लिटरली ये ग्रीन वाला भी अच्छा है, बट ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो मुझे नहीं पता. जो ये स्टोन वाले ब्रेसलेट होते हैं, इनका भी मीनिंग होता है. ये किसी न किसी चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो कुछ पीस के लिए होते हैं, कुछ मनी के लिए होते हैं, कुछ हैप्पीनेस के लिए होता है. सो डिफरेंट मीनिंग होता है. मैं आपको बताऊंगी मैं जो वाला खरीदूँ उसका, बाकी का मुझे सबका नहीं पता है. मैं पीस का खरीदता हूँ बिकॉज मैं आज बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ के लिए, तो उस वजह से. 6 इंच, इंच मैंने ये वाला लेने का सोचा है. सो आप लोग बताओ कमेंट में ये अच्छा है कि नहीं. मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. मैं नेट पे सर्च मार के आपको बताऊंगी. वैसे मुझे पिंक कलर का ये पीस वाला पसंद आया था, बट ये वाला सैडली टूटा है एक साइड से, तो मैं ले नहीं पाई. सो जिस ये बताओ मुझे कैसा है. 2000 घंटे बाद मैंने ये वाला डिसाइड किया. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी. वैसे मुझे वो रोज़ वाला लेने का मन कर रहा था जो कि पिंक वाला शेड था, बट वो थोड़ा थोड़ा ब्रोकन था. मैंने ध्यान से देखा और वो मेरे हाथ के लिए बहुत बड़ा था. सो गाइस, कज़न ये लेना बोल रही है, देखो. सो गाइस, 2K के स्पेशल पे मैंने अपने आप को ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया है. तो मैं और कज़न दोनों सोच रहे कि पिज़्ज़ा खा लेते हैं. तो पिज़्ज़ा खाने हम ये कैफे स्पीति जा रहे हैं. देखो, काफ़ी औसम जगह चिल करने के लिए. लेसी कर्मा बोल रही है कि ये बहुत जगह बहुत अच्छा है. मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है बिकॉज मैं यहाँ पे पहली बार जा रही हूँ. दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा गए. पहले हम थूपा खाने गए, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे. फिर हम कॉफ़ी पीने गए, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे. मतलब आज बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस दिन हो गया. लेसी अब क्या देते हैं, अब दे दूँगी मैं मेरे सारे. हम दोनों को तो अंदर जाने में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लोग कम हो जाए, सो दैट मैं आप लोगों से खाते वक्त भी थोड़ा सा बात कर सकूँ. ओके, ये है काजा बाजार. एक द वाइब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखो. एंड अभी हम अपना मेन्यू डिसाइड करेंगे, हम कौन सा पिज़्ज़ा खाएंगे. लेसी पिज़्ज़ा के अलावा कुछ अच्छा से मिलता होगा तो वो खा सकते, कोई भरोसा नहीं है. सो 2K हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. मुझे जिस स्पीड से मेरा यूट्यूब आजकल ग्रो कर रहा है ना, मुझे लग रहा है 3K इस मंथ ही हो जाएगी. मतलब इस मंथ नहीं, जून के मंथ में हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे. बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है. सो कर्मा डिसाइड कर दिया उसने क्या खाना. चीज आई ना, क्यों दिम ना हूँ. देखो गाइस, कर्मा कितनी सुंदर लग रही है. सो गाइस, आज पूरा दिन हमारा पोपट हो गया और बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस दिन हो गया. तो सैडली यहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं है बिकॉज पिज़्ज़ा बेस ख़त्म हो गया और स्पीति में आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होता है. तो अब हम दोनों सैंडविच खाने वाले हैं, वेज चीज़ सैंडविच. और मैंने एक कॉफ़ी मंगाया है, नॉर्मल कॉफ़ी, बिकॉज मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है. तो इसने चॉकलेट शेक मंगाए है. सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. कर्मा का चॉकलेट शेक आ चुका है एंड ये रहा मेरा गर्मा गर्म कॉफी. ओह माय गॉड. सो गाइस, अभी मेरा नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है. आई डोंट नो मेरी तबीयत कब ख़राब होने वाला है. और एक न्यूज़ मैंने आप लोगों को दिया ही नहीं, तो मैं जल्द अपने एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ बिकॉज 1 जून से मेरा एग्ज़ाम है और मुझे बहुत जल्दी जाना है यहाँ से. सो मैंने अभी ब्राउन शुगर डाला अपने कॉफ़ी के अंदर. एक्सप्रेसो पीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ बिकॉज मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा क्वाइट जैसी रहती हूँ. तो आप लोग सोचेंगे इस लड़की को आज क्या हो गया. तो लेकिन बिहाइंड द कैमरा हम दोनों काफ़ी इधर उधर गए और मतलब मेरे मतलब बिहेवियर से लग रहा था कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ. सो कॉफ़ी पी लेते हैं, सैंडविच आ गया हमारा, यू कैन सी. तो सैंडविच खाएंगे, वेज सैंडविच है, वेज चीज़ सैंडविच. तो खाने के बाद मिलेंगे. तो ये हमारा 2K
क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन था, मिनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। तो कर्मा को कैसा कैसा लगा, इसका हाथ देख लो, फेस आप तो देख लीजिए। एक्चुअली इसमें मम्मी का मेहंदी लगाया था तो उस वजह से इसका हाथ जो है वो ऑरेंज है। तो बाकी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 35% बैटरी और 30 के बाद मेरा फ़ोन सैमसंग का है तो वो एकदम से चला जाता है, बिकॉज सैमसंग का जो पावर होता है शायद से बहुत ज़्यादा लोड चलता होगा, आई डोंट नो, पता नहीं क्या सीन है, बट 30 के बाद मेरा बैटरी बिल्कुल चला जाता है, 1% की तरह रह जाता है। सो खाने के बाद चले गए। यहाँ देखो मज़े, ज़िंदगी के मज़े। माय गॉड स्ट्रगल क्या है जिसको, यहाँ देखो, देख रहे हैं आप स्ट्रगल। और ये देखो काजा कितना ब्यूटीफुल है, माय गॉड। ये देखो धूप, जुले ये तो वही लोग हैं जिनसे हम पहले भी मिल चुके थे। कॉफ़ी पी लिया तो उस वजह से मेरा संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है। तो अभी हम यहाँ काजा के यहाँ पे क्या बोलते हैं पुल के सामने, तो यहाँ देखो वाओ गाइस। आपको तो जब मैं कुल्लू से वापस आ जाऊँगी ना, मतलब उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा मतलब कि एडवेंचर तो नहीं, मतलब कि काइंड ऑफ मतलब प्लेसेस घुमाऊँगी, बिकॉज मेरे ईमेल पे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप हमारे को प्लेसेस दिखाओ डिफरेंट, तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाऊँगी। तो उस टाइम हम यहाँ काजा मोनेस्ट्री भी जाएंगे और वो ऊपर आप बुद्ध का स्टैचू देख रहे हैं वहाँ भी जाएंगे। और ये कर्मा घूरे अभी जाऊँगा है ना, आप टाइम तो अभी चलते हैं, चलो अगर हम लोग अभी जा के आते हैं फटाफट से, चलो फटाफट से चलते हैं तो अभी तो जाएंगे फटाफट से। वैसे मेरे पास 35% बैटरी में, सो गाइज हम वहीं पे जाके मिलेंगे, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 32 या 33% बैटरी है एंड 30 के बाद तो मेरा बैटरी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, तो फटाफट वहीं जाके मिलूंगी मैं आपसे। गाइस ये रहा काजा गुंपा, आसमां को छू गाइस हम अंदर जा रहे हैं। तो गाइस हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और मेरी तबीयत ख़राब हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है लिटरली, और कज़न भी थक गए हैं। हम वो नीचे से आए हैं, हमने वहाँ ऊपर जाने, मैंने आपको वहाँ दिखाना है ना, वहाँ से सारा हम दिखाएंगे, हम वो ऊपर से आए एक्चुअली में, देख रहे हैं आप उस जगह से। प्लीज़ चेक करो व्यू, एंड ये रहा काजा। ओ माय गॉड बहुत थक गए लेकिन बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। हैप्पी टू के, थैंक यू सो मच आप सबको, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ देखो वाओ गाइस, मेहनत सफल हुई। ओ माय गॉड ये देखो, ओ माय गॉड गाइस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना हाइट पे बैठ के अपना 2K सेलिब्रेशन कर रही हूँ। एंड ये देखो गाइस, ऐसा व्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीति में देखने को मिलेगा। एंड वो देख रहे हैं आप इंडियन पेट्रोल पंप, वो एशिया की कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। नमस्ते, सो आई लव यू सो मच गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, लॉर्ड बुद्धा है, एंड ओ माय गॉड वाओ गाइस ये देखो, ओ माय गॉड गाइस चेक करो वाइब, एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है और मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा गाइस ऐसा लोकेशन देखने के लिए ना आप लोगों को स्पीति आना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा लोकेशन फिर आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं दुनिया में, तो चेक करो वाइब। आई लव यू सो मच गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकती। सो कर्मा तुम्हें कैसा लग रहा है? इसको अच्छा लग रहा होगा। वी बोथ आर वेरी हैप्पी, आज हमने बहुत मज़े किए छिल के, बट अभी मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो रहा है। हाइट पर आने के बाद जो ये हवा है ना, ये मेरे गले को बहुत ज़्यादा लग रहा है और अभी तक मैं खांस ही रही थी कंटिन्यूसली, तो अभी जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ऐसे बैठना पड़ रहा है। हवा नहीं ले रही हूँ मैं, हवा ज़्यादा लूँगी तो दर्द हो रहा है। सो आई लव यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच। मैं यहाँ से ये जो आवाज़ है ना, मैं उन सब के पास पहुँचाना चाहती हूँ जो मेरा YouTube वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतना सारा खुशी देने के लिए लाइफ में, एंड ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल हूँ। जो भी चीज़ मैं सोचती हूँ ना, वो मुझे एकदम से मिल जाता है, एंड ये सब कुछ भगवान की वजह से और आप लोगों की वजह से है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उन सब के लिए थैंक यू सो मच गाइस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना, नाचने का मन करे, पता नहीं क्या क्या करने का मन करे, बट कोई बात नहीं, ये एक्साइटमेंट मैं थोड़ा संभाल के रखूँगी। जब हमारा 5K हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पागलों की तरह नाचूँगी, तब तो मैं आप लोगों को अपना जो खुशी ना वो डबल दिखाऊँगी। सो खुश होने के लिए किसी चीज़ की वजह की ज़रूरत नहीं होती, आपको छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रह सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहती, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है ना, वो यहीं तक रहने वाला है, बिकॉज मेरा बैटरी सिर्फ 8% बजे, कब खत्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो अभी हम नानी के घर जा रहे हैं, बिकॉज मैं कुल्लू जाने वाली हूँ, उससे पहले मैं अपने बहनों से मिलना चाहती हूँ। अगर मैं घर पहुँच गई तो थोड़ा छोटा मोटा क्लिप मैं ऐड कर दूँगी इसके बाद, अगर नहीं तो यहीं तक मेरा व्लॉग रहने वाला है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच गाइस। गाइस आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ू, आई लव यू सो मच।